हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ 6 मार्क्स आर अवार्डेड टू राइट आंसर एंड 3 मार्क्स आर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देन प्रभात स्कोर वाज 120। इफ़ ही अटैम्प्ट 50 क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्टली अटैम्प्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि उसने कितने आंसर क्वेश्चन जो करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं, और ये भी दिया हुआ कि जो उसका राइट आंसर है उसके 6 मार्क्स हैं और जो उसका रॉन्ग आंसर है उसकी पेनल्टी है। पेनल्टी मतलब उसके जो नंबर्स हैं उनमें से माइनस किए जाएंगे। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए तीन जहाँ पे मार्क्स है वो माइनस कर दिए जाएंगे, और उसने टोटल 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ पर हमें लेट करके चलना पड़ेगा। लेट उसने एक्स क्वेश्चन है जो उसके राइट है, तो उसके जो रॉन्ग है वो कितने हो जाएंगे, 50 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 50 है और उसने जो राइट किए हैं वो एक्स किए हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग उसके हो गए 50 माइनस एक्स। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने 120 स्कोर किए हैं, जो उसका स्कोर आया 120 आया, मतलब जो उसके राइट आंसर्स हैं उनमें से अगर जो राइट आंसर्स हैं उनमें से अगर रॉन्ग आंसर्स को माइनस कर देंगे तो 120 आ गया। उसने जितने भी जो राइट आंसर अटेम्प्ट किए हैं उनमें से जो उसमें से बाकी के जो गलत आंसर है, जो रॉन्ग आंसर उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो वो अगर माइनस कर दोगे तो उसका टोटल स्कोर बन जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया 120। तो चलिए हम यहाँ पे राइट आंसर्स कितने उसके एक्स हैं, और एक्स के जो राइट आंसर है कितना स्कोर है उसका 6 है, तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे ये जो रॉन्ग है उसके, तो रॉन्ग कितने हैं यहाँ पे, 3 इंटू 50 माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 120 के बराबर। तो इस अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये 9x आ जाता है, 9x इज इक्वल टू हो जाता है हमारा यहाँ पे 270 के, और जो एक्स है वो आ जाता है 270/9। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाता है 30। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखा, हमने सबसे पहले मान लिया कि उसने एक्स क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो जो गलत किए हैं वो 50 में से माइनस कर दिए हमने यहाँ पे, और जो के ठीक आंसर्स के जो मार्क्स थे वो 6 थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो गलत आंसर के थे उसके 3 मार्क्स माइनस करने थे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ये माइनस कर दिया इनमें से, और तो उसने जो टोटल स्कोर प्राप्त किए थे वो 120 था, उसको बराबर रख लिया और एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि 30 आया, और एक्स ही हमने जो लेट किया था जो कि करेक्ट आंसर थे उसके, तो उसने 50 में से जो 30 आंसर है वो करेक्ट किए हैं और जो गलत किए हैं वो 20 हैं। अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन भी करते हैं तब भी, अगर मैं यहाँ पे 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 आ जाता है, और जो उसके 20 गलत आंसर है उनको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 आ जाता है, और जो करेक्ट आंसर है 180 से माइनस करता हूँ जो कि गलत आंसर है उसके 60, तो 120 आ जाता है। और इन्होंने भी यहाँ पे 120 ही जो उसका स्कोर है वो दिया हुआ है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।